दमोह नगर पालिका के नया बाजार वार्ड क्रमांक 4 में उपचुनाव में बीजेपी के पार्षद पद के लिए पूजा अहिरवार ने जीत हासिल करके अपने पिता की खाली हुई सीट पर कब्जा बरकरार रखा। सुबह से ही वोटों की गिनती शुरू हो गई थी, सभी अपनी जीत का दम भर रहे थे, लेकिन एक नव युवती ने राजनीति में कदम रखते ही तहलका मचा दिया और वार्ड के लोगों के दिलों पर राज कर रही पूजा को कलेक्टर डॉक्टर विजय कुमार ने दिया प्रमाण पत्र। पूजा राज ने 158 वोटों से जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस के सुनील आनंद की हुई हार। वहीं निर्दलीय खड़े हुए शंकर कबाड़ी को मिले 398 मत, जबकि नोटा को 21 मत हासिल हो सके। दमोह बीजेपी में खुशी की लहर है। दमोह नगर पालिका वार्ड 4 नया बाजार के भाजपा के पूर्व पार्षद श्याम अहिरवार की मौत के बाद सीट खाली हो गई थी। तब भाजपा ने स्वर्गीय श्याम अहिरवार की पुत्री पूजा को टिकट दिया, जिनकी जीत हुई। आइए सुनते हैं वार्ड पार्षद पूजा अहिरवार क्या कहती हैं। जीत के बाद इस संबंध में हमारे संवाददाता इम्तियाज चिश्ती ने बात की। जी भाई, आपने जो आज जीत हासिल की है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है इस जीत के साथ। कहीं ना कहीं मैं अपने पिता के सपने को पूरा कर सकती हूँ अब। और इस जीत से मेरी पार्टी के लोगों ने मेरे लिए जो सपोर्ट दिया है, एज अ डॉटर, एज अ सिस्टर, मेरे लिए सभी ने बहुत सपोर्ट किया है, तो मैं सबका शुक्रिया भी करना चाहती हूँ तहे दिल से कि उन्होंने मुझे इतना साथ दिया है। एक नया चैलेंज था आपके सामने, उसको कैसे फेस कर गए? जी बिल्कुल, नया चैलेंज था। पॉलिटिक्स इजी काम नहीं है, क्योंकि दूर से रहकर देखना और खुद उसमें करना बहुत अलग थिंग्स है। ये मैंने अभी जाना कि हम पहले कह देते हैं कि ये करना चाहिए, लेकिन आज मैंने किया, उसको मैंने रियलाइज किया है कि हम कैसे करते हैं, कितनी मुश्किल होती है लोगों को समझाना। इस जीत का श्रेय किसको देंगे? इस जीत का श्रेय मैं हमारे बड़े पापा माननीय जयंत मलैया जी को देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझ पर इतना ट्रस्ट किया है कि मैं आज इस पदवी पर पहुंच पाई हूँ। इसके साथ साथ मेरे कार्यकर्ता, जो मेरी टीम थी, उन्होंने मुझे एज अ सिस्टर बहुत सपोर्ट किया। उनके बिना मैं अभी कुछ भी नहीं कर पाती, क्योंकि मैं एक न्यू कमर थी इस एरिया। क्या सोचा था कि आप इस लाइन में आएंगे? आई थिंक इतना तो नहीं सोचा था कुछ भी। आईएएस ऑफिसर की तैयारी कर रही थी मैं अपनी। अचानक से पापा के जाने के बाद उनकी जिम्मेदारियां ली, एज अ सन लेन नहीं था, हमारे घर में कोई बड़ा भाई नहीं है, तो एज अ डॉटर मैंने उनकी सारी जिम्मेदारियों को अपना मानकर बस उनके नाम को थोड़ा, जो इस वार्ड में उनकी रिपोर्टेशन है, उसको आगे बढ़ाना चाहती। क्या माना जाए महिलाओं के लिए इस लाइन में और है उम्मीद? बिल्कुल, कोई भी लाइन महिलाओं के लिए गलत नहीं होती, ये सबकी सोच है। अगर हम सही हैं तो फिर बाकी चीजों से इफेक्ट नहीं पड़ता कि कौन क्या है।